दक्षिण भारत सिनेमा की जाने मानी अभिनेत्री और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने एक खुलासा करके सनसनी फैला दी है। खुशबू ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब वो 8 साल की थी तब उनके पिता ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। खुशबू ने बताया कि उस समय वे उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी थी क्योंकि उनके माँ और भाइयों को मारने की धमकी दी गई। जब वो 15 साल की हुई तब उन्होंने पहली बार इस यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। अपने पिता को लेकर ये बड़ा खुलासा करने वाली सुंदर ने ये भी कहा कि बचपन में झेले गए यौन उत्पीड़न के बारे में बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग पर जो सालों से बोझ था वह उतर गया है। आइए जानते हैं कौन है खुशबू सुंदर, जो बचपन में पिता के हाथों यौन दुर्व्यवहार का शिकार हुई और अब सार्वजनिक तौर पर इस बात का खुलासा कर चुकी हैं। खुशबू साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रह चुकी हैं। 1980 में उन्होंने हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से एक बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। बाल कलाकार के तौर पर नसीब, लावारिस, कालिया, दर्द का रिश्ता और बेमिसाल जैसी कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। वह कई तेलुगु, कन्नड़, मलयालम फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस भी काम कर चुकी हैं। खुशबू सुंदर ने 2010 में पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। डीएमके से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया। 2010 से 2014 तक डीएमके में रही। 2014 में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वे लंबे समय तक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही। 2020 में वह पीएम मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो गई। खुशबू बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य भी हैं। उन्हें पिछले महीने ही राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। अपनी नियुक्ति की अधिसूचना सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की। उनकी इस कामयाबी पर तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उन्हें बधाई भी दी। दो बेटियों की मां एनसीडब्ल्यू की सदस्य नियुक्त किए जाने पर खुशबू सुंदर ने ट्विटर पर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा, मैं माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं नारी शक्ति की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत करूँगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नियुक्त होने के बाद अपने बचपन के सबसे खराब और दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव को सबके सामने जाहिर करके निश्चित तौर पर खुशबू ने उन महिलाओं और बच्चियों में आवाज उठाने का साहस भरा है जो इस तरह के यौन प्रताड़ना या यौन हिंसा का शिकार हो रही हैं। साथ ही खुशबू सुंदर के यौन उत्पीड़न की बात सार्वजनिक होने के बाद देश भर में अब बाल यौन उत्पीड़न को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।